बांग्लादेश ने पाकिस्तान जाकर जब पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराया था तो बांग्लादेश और क्रिकेट प्रेमियों को यह लगा था कि शायद इंडिया में आकर इंडिया को वो कम से कम टफ कंपटीशन तो देंगे, लेकिन मानो इंडिया ने बता दिया कि यार गुरु हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं और तुक्के में नहीं जीते थे। ये माना कि रोहित विराट नहीं है लेकिन अभी भी हम वर्ल्ड चैंपियन, और दिल्ली में ये दिखा, इंडिया ने दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 86 रनों से हरा दिया है। सड़क जैसी पिच थी, इंडिया के बल्लेबाजों ने यहां पर जमकर आतिशबाजी की, 20 ओवर में 221 बनाए, लेकिन बांग्लादेश यहां भी टुक 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 खेलता रहा और 135 रन पर 9 विकेट गवा दिए, 86 रनों से वो मैच हार गया। इंडिया के इस मैच में जीत के हीरो जो थे वो नीतीश रेड्डी थे, 34 गेंद 74 रन, वो भी तब जब 12 गेंद पर 13 रन बनाए थे और उसके बाद क्या आतिशबाजी की। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीतीश यही थमे तो गलत है गुरु, क्योंकि नीतीश की निगाहें अब लगता है कि हार्दिक पांड्या की तरफ है। अब इंडियन क्रिकेट ट्रूली ब्लेस्ड है और अब वो दिन लद गए जब हम कहते थे कि हार्दिक का रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। आई मीन वी डोंट वॉन्ट कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हो, हार्दिक भी खेलें, लेकिन नीतीश रेड्डी जो खेल रहे हैं क्या कमाल खेले हैं, दोनों साथ मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी दिन आपके पास चार तेज गेंदबाज होंगे, दो तेज गेंदबाज आप खिलाते हैं, दो आपके पास हैं। टीम इंडिया इस टाइम ऊपर से नीचे तक ऑलराउंडर से भरी पड़ी है और ये कमाल है। पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने कमाल किया, 16 बॉल पे 39 रन, 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, और दूसरे मैच में नीतीश रेड्डी ने कमाल किया, 34 बॉल 74 रन, 4 ओवर 23 रन और 2 विकेट। वर्ल्ड चैंपियंस ने एक बार फिर T20 फॉर्मेट में डोमिनेट किया। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस मैच में थाला फॉर अ रीजन दिख रहा था, क्योंकि 7 गेंदबाज इंडिया ने ट्राई किए और 7 के 7 गेंदबाज को विकेट मिले। नीतीश रेड्डी को 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट, अर्शदीप सिंह को 1 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट, मयंक यादव को 1 विकेट, रियान पराग को 1 विकेट और 1 विकेट अभिषेक शर्मा को। 7 बॉलर 7 विकेट, दैट्स थाला फॉर अ रीजन। वैसे थाला फॉर अ रीजन पहले मैच में भी था, 7 विकेट से इंडिया ने उस दिन मैच जीता था। वैसे थाला फॉर रीजन का एक मौका और भी है, क्योंकि इंडिया ने 7वीं सीरीज जीती है और ये भी अपने आप में कमाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सबसे ज्यादा बैक टू बैक होम सीरीज जीतने के मामले में इंडिया गई है, 7 सीरीज। सूर्य कुमार यादव जब से कैप्टन बने तब से लगातार वो जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 4-1 से हराया, श्रीलंका 3-0 से हराया, बांग्लादेश 2-0 से हराया, ये नए दौर का आगाज है, यंगिस्तान है और यहां यंगिस्तान का सूर्योदय हो रहा है। इंडिया लगातार जीत रही, सिर्फ एक मैच हमारे हैं अगर आप 2024 में देखेंगे, बाकी सारे मैचेस हमने जीते हैं, एक भी मैच टीम इंडिया नहीं हारी है। इंडिया घर पर सबसे लंबी जीत लगातार दर्ज कर रही है। इंडिया 16 सितंबर 2019 से लेकर अब तक लगातार इंडिया में होम सीरीज जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा रहा है 8 जनवरी 2006 से लेकर 2010 तक, साउथ अफ्रीका ने रहा है 2007 से लेकर 2010 तक, लेकिन इंडिया अनमैचबल चल रही है फिलहाल और कमाल है, कमाल है। और ये कमाल इसलिए भी क्योंकि आपने अपने स्ट्रेंथ पर काम किया है। जैसे वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया, वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन 3-4 साल बाद हुआ, रवि बिश्नोई के ऊपर सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे सवाल थे कि रवि बिश्नोई क्यों नहीं, बिश्नोई वर्ल्ड नंबर 1 भी थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने क्या कमाली गेंदबाजी की। अगर आप उन्हें गेंदबाजी देखेंगे तो आप मुरीद हो जाएंगे उनके, मुरीद हो जाएंगे आप। 8 ओवर 50 रन 5 विकेट, दैट्स वरुण चक्रवर्ती फॉर यू। 2 T20 मैचेस में, पहला मैच 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, सेकंड T20 मैच 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, और ये एक जो भरोसा जताया जा रहा है आई थिंक ये कमाल कर रहा है। आप खुद देखें, नीतीश रेड्डी को देख लीजिए, आपके पास बैटिंग लाइनअप में रियान पराग है, आपके पास बैटिंग लाइनअप में हार्दिक पांड्या है, आपके पास बैटिंग लाइनअप में रिंकू सिंह है, लेकिन इसके बावजूद आप एक 21 साल के लड़के को 4 नंबर पर उतार रहे हैं कि तू जा और छा जा, और वो लड़का छा रहा है, आतिशबाजी करके आ रहा है, 12 बॉल 13 रन और उसके अगली 21 बॉलों पर 60 रन प्लस। दैट्स द काइंड ऑफ टेम्पो जो आप देखना चाहते हो, खेलना चाहते हो, और इसी वजह से शायद इंडिया जो है वो ब्लेस्ड फील कर रही है। फाइनली IPL से हमें कुछ अच्छे खिलाड़ी मिले हैं, हार्दिक बैट से जैसे हैं, बैट बॉलिंग फील्डिंग कमाल है, ऐसे ही नीतीश रेड्डी बैट बॉल फील्ड तीनों से कमाल है और ये ब्लेसिंग जो है ये इंटरेस्टिंग है। हार्दिक ने पहले मैच में 16 बॉल पे 39 बनाए थे, सेकेंड मैच में 19 बॉल 32 बनाए हैं, और हार्दिक भी बता रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट पांड्या है, नीतीश रेड्डी अच्छे हैं लेकिन हार्दिक पांड्या अभी भी बहुत अच्छे हैं। क्या कमाल का कैच पकड़ा उन्होंने, रिशाद का वो कमाल था,
बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। ओवरऑल इंडियन क्रिकेट आज बल्ले बल्ले है। बांग्लादेश आज संघर्ष कर रही थी क्योंकि इंडियन प्लेयर ने उन्हें कहीं सेटल नहीं होने दिया। बैटिंग बॉलिंग हर जगह पर इन लोगों ने सेटल होने नहीं दिया। नीतीश रेड्डी सेकेंड मैच में ही मैन ऑफ द मैच बने, ये इंटरेस्टिंग था। इस मैच में एक बढ़िया मूवमेंट रियान पराग का भी था, वो जो बॉल ऑफ साइड बिल्कुल स्टंप के बाहर जाकर डाली, अजीबो गरीब एक्शन, अजीबो गरीब बॉल, बट फ्री हिट मिलने के बाद भी संभाला उन्होंने, फिर विकेट भी निकाला। सो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी जो इस मैच में कमाल थी। लेकिन इस मैच की हाईलाइट नीतीश कुमार रेड्डी थे, 12 बॉल 13 रन और फिर 15 बॉल 37 रन, 7 चौके 4 छक्के। नीतीश कुमार रेड्डी ने इंटरनेशनल क्रिकेट पे जलवा बिखेरा, सेम जलवा रिंकू सिंह ने बिखेरा। रिंकू सिंह जब आए तब 41 रन पर 3 विकेट था, 29 बॉलों पर 53 रन ठोके, 3 छक्के 5 चौके, और बताया कि रिंकू जैसा कोई नहीं। रिंकू कमाल है, वो भी अद्भुत है, और उनको भी जिस तरह से मौके मिल रहे हैं, जिस तरह से ऊपर खिलाया जा रहा है, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। 58 का बैटिंग एवरेज है, 175 का स्ट्राइक रेट है, और जो टेम्पो है, जो माइंडसेट है, वो कमाल है। इसी वजह से शायद टीम इंडिया जो है वो इतनी बड़ी टीम नज़र आ रही है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट करती नज़र आ रही है। और फिलहाल इंडिया बांग्लादेश को सीरीज हरा कर ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। क्या बांग्लादेश महमूदुल्ला को अच्छी विदाई दे पाएगी? क्या बांग्लादेश आखिरी मैच में इंडिया के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगी? क्या बांग्लादेश इस सीरीज में या इंडिया टूर पर जो सम्मान खोया है उसे पाएगी? इंटरेस्टिंग, बट लगता तो ऐसा है कि इंडिया 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर जाएगी। नए भारत का नया सूर्योदय, और ये टीम गुरु कमाल की टीम है, कमाल की टीम है। आपको क्या लगता है थर्ड मैच में क्या होगा? इंडिया जीतेगी या बांग्लादेश थोड़ी सी इज्जत बचाएगी? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन।